हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं टैलेंट इंडिया सेल्फ रन। दोस्तों, आज मैं वीडियो बहुत दिनों के बाद बना रहा हूं आपके लिए। दरअसल मेरा जो मोबाइल था वो ख़राब हो गया था, तो मुझे एक नया मोबाइल लेना था। तो मैंने एक नया मोबाइल ले लिया है और उस मोबाइल को लेने से पहले मैंने बहुत सारे जगहों पे सर्च किया, यूट्यूब पे और अदर बहुत सारे साइटों पे मैंने सर्च किया कि कौन सा मोबाइल लिया जाए। तो एक रेंज में मैं देख रहा था जो कि अंडर 15,000 मुझे कोई मोबाइल अच्छा सा मिल जाए। मैंने बहुत सारे देखा जिसमें ऑनर का भी फ़ोन था, उसके बाद सैमसंग का देखा और उसके बाद मैं आपको बताऊँ वीवो का भी देखा, रेडमी का देखा। तो अंत में मैंने जो मोबाइल लिया वो रेडमी का लिया, जो कि अब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मिला जुला कर जो कॉन्फ़िगरेशन था वो सभी में था, किसी में रेट हाई था तो किसी में रेट कम था, किसी की बैटरी ज़्यादा अच्छी थी तो किसी की बैटरी कम थी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक मोबाइल फाइनली परचेज कर लिया है और आज मैं उस मोबाइल का आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा मोबाइल है। तो मैंने रेडमी का मोबाइल परचेज किया है, तो चलिए मैं इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से। तो सबसे पहले मैं इस प्लास्टिक के तामझाम को हटा देता हूँ और तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन है जो कि रेडमी नोट 6 प्रो है और मैं ये जियोमी का मंगवाया हूँ। आप देख सकते हैं बैट जियोमी लिखा हुआ है यहाँ पे, MI का और इंडियाज़ नंबर वन। तो दरअसल मैंने बहुत सारे मोबाइल्स को देखा था बट अभी भी रेडमी नोट 6 प्रो जो है वो काफ़ी अच्छा है। रेडमी नोट 7 प्रो भी आ चुका है मार्केट में बट रेडमी नोट 6 प्रो से ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या है। तो अभी देख सकते हैं मैंने जो मोबाइल लिया है वो ब्लू में है और आप देख सकते हैं 4 GB एंड 64 GB, यानी कि रैम जो है वो 4 GB है और 64 GB जो है इसका इंटरनल स्टोरेज के लिए है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मैं इसे खोलता हूँ। उसके बाद मैं इस डब्बे को यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो Redmi Note 6 Pro है कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, काफ़ी आकर्षक है देखने में। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर Redmi Note 6 Pro कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी और ये स्टिकर है, तो ये स्टिकर मैं अभी रिमूव कर दूंगा इसको। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 MP प्लस 2 MP और उसके बाद जो इसका रियर कैमरा है वो है 12 MP 5 MP, यानी कि यदि आप इससे सेल्फी लेते हैं तो काफ़ी अच्छा फोटो आएगा और यदि आप रियर कैमरा से भी वीडियो को शूट करते हैं तो काफ़ी अच्छा आएगा। उसके बाद आप जो देख रहे हैं 19.9 फुल स्क्रीन डिस्प्ले है और ये फुल HD में है, फुल HD प्लस देख सकते हैं यहाँ पे। और स्नैपड्रैगन 636 जो इसका प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का है, काफ़ी अच्छा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ये माना जाता है यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल मैं और बाकी के जो एक्सेसरीज़ है वो दिखा दूँ आपको। तो हमें एक्सेसरीज़ में जो मिलता है यहाँ पर वो कुछ इस तरीके का एक रैपर आपको मिलेगा जिसमें आपको एक जो बैक कवर होता है तो काफ़ी अच्छा है बैक कवर। तो ये बैक कवर ले सकते हैं, मतलब लो क्वालिटी में ही कह सकते हैं इसको, अच्छी क्वालिटी नहीं कह सकते हैं लेकिन फिर भी ये कवर जो है वो काफ़ी अच्छा है, लुक आपका बनाए रखेगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। उसके बाद जो आपको इसमें मिलता है कुछ पेपर से रिलेटिव जो इसका डिटेल होता है मोबाइल का वो देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें जो यहाँ पे मिलता है एक बैटरी चार्जर मिलता है, यहाँ पे एक बैटरी चार्जर है ये देख सकते हैं। उसके बाद उसको चार्ज करने के लिए USB है जिससे आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और डेटा को चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये एक चार्जर मिल जाता है, इसकी भी जो लेंथ होगी वो करीबन
1 मीटर के करीब में होगी। उसके बाद इस डब्बा में और कुछ नहीं है, ब्लैंक है। तो अब आते हैं हम अपने मोबाइल पे। तो यहाँ पर मैंने इस मोबाइल से इसको रिमूव करना है। अब मैं इसको ऑन कर, तो ये फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट लुक आपको इस तरीके का दिखने वाला है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो इसकी ऐप में बताने के लिए है, मैं सबसे पहले आपको कैमरा बताऊंगा इसमें। तो एक कैमरा का फीचर्स काफ़ी अच्छा होता है, तो मैं अलाउ करता हूँ। एंड अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अपने पीसीज को इसमें HDR करके सारा कुछ है, वीडियोस। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स है इसमें। पोर्टेबल है तो आप पोर्टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें बेसिक ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, अभी मैं इसमें आपको सेल्फी बताता हूँ कि सेल्फी का किस तरीके से यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें जो मैं सेल्फी वाले कैमरा से देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं इसमें आपको और भी इमेज दिखाता हूँ कि मैंने जो इससे इमेज लिया वो इमेज कैसा आ रहा है। तो मिला जुला कर ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, इसकी बैटरी बैकअप अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।